पेंसिल बहाली को लेकर आज बरेली में देख सकते हो तस्वीरों में तमाम जो कर्मचारी हैं, विकास भवन के हैं, टीचर हैं और रोडवेज के कर्मचारी हैं, ये आज जहां से जिन्होंने पहले धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद ये डीएम कार्यालय के लिए पहुंच कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में महिला कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी भी मौजूद है। इन लोगों की साफ तौर पर मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली किया जाए। लगातार बरेली में धरना प्रदर्शन कर चल रहा है और इन लोगों को साफ तौर पर कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं की जाएगी तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन लगातार जारी रहेगा। देख सकते हैं तस्वीरों, सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कर्मचारी मौजूद हैं। अब ये यहाँ से पैदल कूच कर रहे हैं, यहाँ से डीएम साहब के आवास पर जाएंगे और वहां पे अपना ज्ञापन देंगे। मैं इनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। भैया ये बताइए क्या प्रोग्राम है, कहाँ के लिए कूच कर रहे हैं आप? आज S4 के तत्वाधान में हम लोगों ने जनपद मुख्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और हम लोग अब यहां से धरना स्थल से कूच कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के पास जा रहे हैं, उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी को। अच्छा ये बताइए 2022 का जो चुनाव था तो मैं देखता तमाम जो कर्मचारी थे उन्होंने वोट किया, अब 2024 का चुनाव नजदीक है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए हमारा ये स्पष्ट, इस समय देश का कर्मचारी और शिक्षक इस समय उसका स्पष्ट, अब वो कहीं भी भ्रम में नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं हमारी जो वर्तमान सरकार है कि हम बहुत पीड़ित हैं इस NPS से, जो हमारे सामने उसके दुष्परिणाम आए हैं, जो हमारा कर्मचारी शिक्षक 70,000 पेंशन वेतन पाता था, आज उसे 1700-1800 पेंशन मिल रही है, कैसे वो अपना बुढ़ापा काटेगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि NPS रावण रूपी इस NPS का नरसंहार करिए आप और OPS जैसा रामराज्य स्थापित करिए। क्या माना जाए 2024 के चुनाव को लेकर मोदी जी के लिए इसका फर्क पड़ेगा कर्मचारियों का? देखिए निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि आक्रोश, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम कोई बाहरी नहीं है और ये जो इस देश का मजदूर और किसान, ये उसी की औलादे हैं। जो कर्मचारी या शिक्षक है ये इस देश के बाहर के लोग नहीं है। अगर हमारे आक्रोश को बढ़ाया गया तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और 2024 में सरकार को इसके परिणाम देखेंगे। साथ और भी तमाम शिक्षक महिला। अच्छा आप बताइए क्या है आपकी, क्या मांगे हैं, लगातार सारी भीड़ लेके कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी मांग तो NPS को बंद करके और पेंशन की है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए और वो हमारे लिए जरूरी है, ये तो सभी को पता है जी। अच्छा नई पुरानी पेंशन क्या अंतर है, क्या पुरानी पेंशन को लिए क्यों इतना लगातार आक्रोश है आप लोगों? पुरानी पेंशन से तो फायदा है ही, NPS के बारे में तो सबको पता ही है कि उसमें पेंशन कितनी कम बन रही है, तो उससे तो गुजारा नहीं होगा, तो हम लोगों के लिए तो वो जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, वो आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा जी बताइए 2022 का जो चुनाव था आप लोगों तमाम जो कर्मचारी थे वोट किया था, 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या रुख चेंज हो रहा है आप लोगों का? हां बिल्कुल। अच्छा आप बताइए क्या लगातार? मैं मिनिस्टर एसोसिएशन जिला मंत्री हूं और आज हम लोग पुरानी पेंशन के लिए धरना दिया है और पुरानी पेंशन के लिए सरकार जो हमारी जो निकम्मी साबित हो रही है, यही सरकार जो थी इसने कहा था कि हम आपको पुरानी पेंशन दिलाएंगे, अपनी बात से ये मुकर रही है। अब हम लोग वक्त आया है, इस सरकार को हमें बदलना है। अगर ये नहीं, अगर ये हमारी पुरानी पेंशन मांग ले, मान लेते हैं, हम लागू कर देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2022 में भी आपकी भारी संख्या में वोट किया था, आपका 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, उसमें वो वोटिंग होगी, आप देख लीजिए सरकार, अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं करते तो इनका हश्र ऐसा होगा जैसे कांग्रेस का भी कभी हश्र हुआ था। देख सकते हो इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी तो ऐसा हश्र हो जैसे कांग्रेस का, और लोग भी, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा। ये लगातार जो देख रहे हो कर्मचारी है ये कूच कर रहे हैं डीएम साहब आवास पे। भैया आप बताइए क्या मांगे हैं लगातार आप? पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कहाँ जा रहे हैं आज आप? जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने। अगर पुरानी पेंशन कब तक चलेगा आपका ये? जब तक लागू ना हो। 2024 भी बिल्कुल नजदीक है, होने दो, एक फर्क पड़ेगा सरकार को? क्यों नहीं पड़ेगा, 2022 में भी लगातार आपने खूब अच्छी संख्या में वोट किए थे, जो विधानसभा का चुनाव था आप वोट किए थे, इस प्रत्याशा में किए थे कि हमारी मांग मान ली जाएंगी, और मांगे नहीं मांगी अभी तक नहीं मानी गई। अब क्या 2024 को क्या रोक है? देखो उम्मीद है सरकार मान जाए, नहीं मानी तो क्या होगा? नहीं मानी तो ये उच्च अधिकारी जो हमारे हैं बताएंगे। देख सकते हो और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, महिलाएं भी हैं इसमें तमाम, जो देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और जो जेंट्स हैं वो अपनी यहाँ मांगों को लेकर लगातार कूच कर रहे हैं और डीएम को ज्ञापन देंगे, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। देख सकते हो तमाम जान जैसे। अच्छा ये बताइए क्या प्रोग्राम है, क्या पेंशन के लिए मांगे? पुरानी पेंशन आप बताइए, पुरानी पेंशन क्या किस तरह कर रहे हैं?
हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए। देख सकते हैं तमाम लोगों का इनका साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन अगर बहाली नहीं हुई तो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, सरकार जैसे कांग्रेस जैसा हाल हुआ था वैसे इस सरकार का होगा। तमाम मैं कैमरामैन से कहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तस्वीरें दिखाई देगी, पैदल यात्रा कर ये कूच कर रहे हैं डीएम आवास के लिए और यहाँ अपना ज्ञापन सौंपेंगे। बरेली में लगातार पुरानी पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं सिंचाई कर्मचारी, सिंचाई विभाग के कर्मचारी, विकास भवन के कर्मचारी लगातार ये इनकी यही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।